सर, नाइक न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बोले सर, आज श्री किशोर कुमार नाइक और श्री करतार चंद जी मेरे घर पे पधारे हैं और मुझे बताया गया है कि श्री किशोर कुमार नायक न्यूज टीवी चैनल चला रहे हैं और हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं उनके जो प्रश्न हैं उसके प्रश्नों को वो अपने टीवी के माध्यम से उनको वाचा देते हैं और उनके प्रश्नों को उठा के सरकार के ध्यान पर लाते हैं और इस तरह बंजारों की उन्नति और तरक्की के लिए वो कटिबद्ध हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनका ये जो मिशन है उस मिशन में वो आगे बढ़ें और बंजारों की जो सही और वाजबी उनकी जो मांगे हैं वो मांगे सरकारों के कान तक पहुँचें और उसमें कुछ तरक्की हो, ऐसी मैं शुभकामना अभिव्यक्त करता हूँ जी। धन्यवाद। अभी गुजरात के अंदर में भी आप सचिव की पोस्ट पर हैं सरकार के अंदर में और हमें बड़ा गर्व भी होता है समाज के अंदर में कि बंजारा समाज से आप इतनी बड़ी पोस्ट संभाल के बैठे हुए हैं और थोड़ा सा समाज के ये बताएं कि आप थोड़ा सा जो आप कार्य करते हैं समाज के लिए क्या क्या मदद आप करते हैं, लोग आपके पास आते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। जी जी जी। कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। जी जी जी। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जिसका जन्म है उसकी मौत है ही। जी जी। दूसरा जी। कुछ हो ना हो लेकिन मौत तो घटती ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके पहले कि मौत का पैगाम आ जाए, हम जहाँ भी बैठे हैं, जिस पद पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वहाँ से यदि हम समाज के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए उपयोगी हो सके तो उपयुक्त होना चाहिए। और हमारे यहाँ अभी मैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे पास समाज के और देश के, राज्य के जितने भी लोग आते हैं उनका छोटा मोटा कोई भी काम हो, मेरे पास यूएन मेहता कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, हमारे वहाँ कैंसर हॉस्पिटल है, हमारे वहाँ किडनी का भी हॉस्पिटल है और ये तीनों हमारी जो संस्थाएं हैं, ये तीनों संस्थाएं पूरे हिंदुस्तान भर में ख्यातनाम है। और यहाँ राजस्थान से कोई आता है, मध्य प्रदेश से कोई आता है, महाराष्ट्र से कोई आता है और गुजरात का तो आता ही आता है। उन सभी लोगों के लिए उनका कोई ट्रीटमेंट करवाना हो तो हम उनको मदद करते हैं, उनका सारवार कराते हैं, तो उनको मदद करके उनको मतलब कि तंदुरुस्त रहे, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे पीसा आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप शायर भी हैं और एक सिंगर बहुत अच्छे हैं जिसके लिए आपकी आवाज़ के लिए मोदी जी बड़ा सुनने की तरस रहते हैं, तो एक वो छोटी सी कोई एक कड़ी सुना दें आप, जो सबसे फेवरेट जीवन में आपकी जो स्टार्ट रही हो। अरे मैं सिंगर तो नहीं हूँ, शायर भी नहीं हूँ, सिंगर भी नहीं हूँ, लेकिन एक मेरी छोटी सी हॉबी है। जी 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 जी। हॉबी है लेकिन शायर और सिंगर तो मैं नहीं हूँ, तो उसके लिए क्या आप कोई कुछ भी एक गुनगुनाते ऐसे ही चैनल के लिए, बड़ा सौभाग्य रहा कि हम आपके पास यहाँ तक आ पाए। अच्छा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आपका नाम किशोर कुमार? जी 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 जी